हमको तो डांट के चुप करा लोगे, पर उस अपशकुन का क्या? अरे अपशकुनों को डांट कर चुप नहीं कराया जा सकता, वो तो अपना काम करके रहते हैं। किस अपशकुन की बात कर रही हैं आप? वही जो इस घर को लगा हुआ है। अरे कौन सा अपशकुन लगा हुआ है इस घर को? जाने दो, क्या करोगी जाने। अरे हम तो बस यही कह रहे थे कि तुम इस घर में नहीं आती तो ही अच्छा होता। देखो ना, जब से इस घर में आई हो कौन सा सुख मिला है तुम्हें? मैं यहाँ से निकालने आई। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि ये कमरा मेरा था, मेरा है और अब मेरा ही रहेगा। देखो तुम इस घर की बहू हो और घर की बहू को कहीं सारा काम करना पड़ता है। चलो उठो, काम पे लगो। मेरा हाथ छोड़ो। कोई जबरदस्ती क्या? नहीं करती। देखो सोनिया, पानी सर के ऊपर से जा रहा है। इससे पहले कि कुछ और बुरा हो जाए और मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूँ, उठो और अपना काम करना शुरू करो। जाओ। अब तुम लग रही हो इस घर की बहू। अरे रे रे रे, रुक क्यों गई? अभी तो सारा फर्श पड़ा है। और हाँ, यह मंदिर के पास था, अच्छे से सफाई करो। मुझे सफाई बहुत पसंद है। हाँ, ये बात तो आपने ठीक कही। अरे हमने देखा है, इस घर में जो भी लड़की बहू बनकर आती है ना, उसकी तो तकदीर ही फूट जाती है। जब से तुम इस घर में आई हो तुमने अपने माँ बाप को खो दिया और इस घर के लोग इतने पत्थर दिल हैं, कोई दया माया ही नहीं है। देखिए प्लीज, आप ये बातें घुमा फिरा के मत कीजिए, जो कहना चाहती है साफ साफ बताइए। अरे इस घर को उसकी हाय लगी है, हाय। और देखना, उसकी हाय इस घर को धीरे धीरे खत्म कर देगी। और उसका पहला शिकार तो तुम्हारे माँ बाप ही हो गए। किसकी हाय लगी है इस घर को? जानते हो, सागर का एक भाई भी था। हाँ, मनीष। उसी की दुल्हन की। अरे बहुत तंग किया इस घर वालों ने उसको। जाते जाते श्राप देकर गई थी, कह के गई थी सर्वनाश हो जाएगा इसको। और देख लो, सर्वनाश हो भी रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ था उसके साथ जो उसने इस घर को इतना बड़ा श्राप दे दिया? अब हम तो बाहर वाले हैं, बाहर की ही बात बता सकते हैं ना। घर के भीतर की बात तो घर वाले ही बता पाएंगे कि उसके साथ क्या दुराचार हुआ था। तुम पूछ कर देखो, शायद बता दे। अच्छा अब हम चलते हैं, तुमको खड़ा देखा तो हाल चाल लेने चले आए। और हाँ एक बात और, जरा संभल के रहना इस घर में। पहुंच जाओगी? नहीं नहीं, मैंने भाभी से कह दिया था कि मैं सुबह तक पहुंच जाऊंगी, ऑलरेडी बहुत देर हो गई है। अब देखो शशि भाभी का फोन भी आ गया। हाँ भाभी बोलो। नंदिनी कहाँ हो तुम? बस भाभी घंटे का मैं निकल ही रही थी। बोलिए कुछ खास बात थी क्या? नंदिनी मैं कल रात एक बात बताना भूल गई तुम्हें, यहाँ बहुत बड़ा हादसा हो गया। कैसी दुर्घटना? वो सागर के सास ससुर, उन्होंने गंगा में कूदकर अपनी जान दे दी। क्या? कब भाभी? जिस दिन तुम गई उसी दिन रात को सागर ने हमें ये खबर दी है। ओह माय गॉड, भाभी मैं बस तुरंत निकलती हूँ, तब तक आप वहाँ सबको संभाल लेना। हाँ ठीक है। इतनी परेशान क्यों हो? वो सागर के सास ससुर ने गंगा में कूद कर आत्महत्या कर ली। अरे ये कब हुआ? सारी डिटेल्स मुझे नहीं पता लेकिन मुझे तुरंत निकलना चाहिए। देखो तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें बस स्टॉप तक छोड़ता हूँ गाड़ी से। ठीक है ठीक है, चल। सोनिया कहाँ चली गई थी इतना सुबह सुबह? खुशी भाभी घर के बाहर खड़ी थी, मन नहीं लग रहा था।
समझ सकती हूँ, इस वक्त तुम्हारा मन किसी चीज में नहीं लगेगा, लेकिन जितना जल्दी हो सके तुम इस सदमे से बाहर आने की कोशिश करो, क्योंकि तुम्हारी अपनी भी तो जिंदगी है। मैं सोच लूंगी जो मुझे करना है, मुझे अपनी जिंदगी के साथ क्या करना है मुझे पता है। क्या मतलब? कुछ नहीं, आपका जानना जरूरी नहीं है। क्या? मुझे आपसे एक बात पूछनी है। हाँ पूछो। ये मनीष की बीवी के साथ इस घर में क्या हुआ था? अचानक से ये तुम्हें मनीष की बीवी की याद कहाँ से आ गई? तुम तो कभी उससे मिली भी नहीं हो। वो मुझे पड़ोसन बाहर मिली थी। वो तुमसे क्यों मिलने आई थी? मैं बाहर खड़ी थी, अफसोस जताने आ गई। उसी ने बताया मुझे। तुम ना उसे जरा दूर रहना, वो कभी इस घर का भला नहीं चाहती। हमेशा तीन की टेढ़ा लगाकर बोलती, इस घर पर टेढ़ी नजर है उसकी। उसकी नहीं, मनीष की बीवी की टेढ़ी नजर लगी है। उसी की बद्दुआ की वजह से आज मेरे मम्मी पापा इसीलिए इस घर का सर्वनाश हो रहा है, और जिसका पहला शिकार बने मेरे मम्मी पापा। सर्वनाश तो इस घर का हुआ ना, इसमें तुम्हारे मम्मी पापा कहां से आ गए? वो तो इस घर के नहीं है ना, फिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? कैसी बात कर रही हैं आप? इस घर में दिन गुजारे थे उन्होंने, इस घर की छत के नीचे रुके थे वो, इसी घर का अब शगुन उन्हें निकल गया। देखो बाहर के लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, जो होना था वो हो गया, ये सब बेकार की बातें हैं। इस बात का अफसोस हमें भी है। अब आप लोगों का अफसोस मेरे मम्मी पापा को तो वापस नहीं ला सकता ना। वो तो मैं समझती हूँ कि कोई भी उनकी कमी पूरी नहीं कर सकता। खैर ये सब बातें छोड़ो, चलो मैंने नाश्ता बना लिया, चलकर कुछ खा लो। नहीं, अब तो एक निवाला भी मेरे गले से नहीं उतरेगा। आप लोग नाश्ता कर लीजिए, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए प्लीज। सुनिया तब क्या हो रहा है? लो कहाँ चले गए थे तुम? और नंदिनी कहाँ है वो? वो अपने घर चली गई। घर? मैं सुबह सब पे छोड़ गया। लेकिन क्यों? उसके घर से कोई अर्जेंट फोन आया था। इतनी भी क्या अर्जेंसी थी कि बिना मुझे मिले चली गई? सब ठीक है ना? एक्चुअली उसके घर में कोई दुर्घटना हो गई। दुर्घटना? उसके भाई के सास ससुर ने गंगा नदी में कूद कर जान दे दी, और वो उसी के घर पर ठहरे हुए। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, इसकी कोई खास वजह थी क्या? नंदिनी को भी पूरी डिटेल्स पता नहीं, और इनफैक्ट मैंने भी जानने की कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत परेशान चल रही थी। अब कर भी क्या सकते हैं, नहीं तो मैंने सोचा था कि। क्या सोचा था आपने? छोड़ो ना, क्या करेगा जानकर। नहीं फिर भी बताइए। नहीं नहीं तेरे मतलब की कोई बात नहीं थी, वैसे भी कल रात को यहाँ उसे रोक कर मेरा मकसद पूरा हो गया। मकसद? कैसा मकसद? यही, उसे जानने का। क्या समझा आपने? वेल, वो बहुत ही ओपन माइंडेड है, उसके दिमाग में दिल में जुबान पे एक ही बात होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता। और तो क्या समझा आपने? वेल, वो बहुत ही ओपन हार्टेड है, किसी भी रिश्ते पर अंकुश नहीं लगाती। शायद यही ठीक है, इसी वजह से रिश्ते को पनपने देती है वो, और वो तुझे भी पूरी तरह से आजाद करके चल रही है। आजादी? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि उसकी तरफ से तुझ पर कोई बंधन नहीं होगा। उसने मुझे ये भी कहा कि उसने धीरे धीरे अपने ऊपर आदत डाल रही है अकेले रहने की। अरे सागर, कहाँ अपनी धुन में चले जा रहे हो? यहाँ आओ बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।
सॉरी भाभी, मैं थोड़ा परेशान था इसलिए अपनी धुन में चला जा रहा था, आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया। किस बात की परेशानी है तुम्हें? और किस बात की होगी, वही सोनिया को लेकर। तुम दोनों मियां बीवी क्या परेशानी के पुतले हो? अरे उसको लेकर परेशान होने की बजाय उसे समझाते क्यों नहीं हो? क्या समझाऊं आप? तुम्हें कुछ पता भी है? उस लड़की ने कल रात से अभी तक कुछ भी नहीं खाया है। कल रात भी उसने कुछ नहीं खाया? नहीं खाया, और अभी भी मैंने उसे नाश्ते के लिए पूछा तो कहती है मुझे भूख नहीं है। मुझे इसी हाल में छोड़ दो, ऐसा कब तक चलेगा सागर? भाभी, जब से ये हादसा हुआ मैं उसे समझाया जा रहा हूँ। अगर वो खाना नहीं खाएगी तो उसकी सेहत पर गलत असर पड़ सकता है, वो बीमार हो सकती है। भाभी आप ही बताइए ना मैं क्या करूँ। देखो सागर, इस समय सबसे करीब तुम ही हो उसके, तुम्हें उसे प्यार से समझाना पड़ेगा, इस सदमे से बाहर निकालने की कोशिश करनी होगी तुम्हें। भाभी मैं उसे जब भी समझाने की कोशिश करता हूँ वो रोने लग जाती, बस एक बात की रट लगा रखी है कि मुझे मेरे मम्मी पापा से मिलवा, उन्हें ढूंढ कर लेकर आओ। ये तो स्वाभाविक है ना, उस लड़की के सिर से उसके माँ बाप का साया उठ गया, कोई बेटी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, और उसने तो अपने माँ बाप को आखिरी विदाई भी नहीं दी थी। यही तो कारण, अरे उन्हें ये सब करने की जरूरत थी क्या? चीजें धीरे धीरे संभल जाती। अब ये तो कोई नहीं बता सकता ना कि उन लोगों के मन में क्या था। उनका मन कभी साफ रहा ही नहीं, हमेशा उनकी नीयत खराब रही है। सागर ये अच्छी बात नहीं है, मरे हुए लोगों के बारे में इस तरह से बात नहीं करते। क्या करूं ना, तो उन लोगों ने जीते जी चैन से रहने दिया, चले जाने के बाद भी ना कोई सुकून नहीं दे रहे हैं। उन्होंने क्या किया और क्या नहीं ये सब उनके साथ ही खत्म हो गया, लेकिन ये सब कहकर तुम अपना मुंह क्यों खराब कर रहे हो? भाभी ये सब अगर मैंने उन्हें पहले कह दिया होता ना तो आज ऐसी नौबत ही नहीं आती, शायद चीजें इतनी बिगड़ती नहीं, सवर ही जाती। अब और ना बिगड़े, इसलिए कहती हूँ कि जाकर सोनिया को समझाओ, पुरानी लकीरों को फिर से पीटने से वैसे भी कुछ हासिल नहीं होता। ठीक है भाभी, मैं उसे फिर से समझाता हूँ, शायद कोई चमत्कार हो जाए। मामा जी। अरे बेटा बड़ी देर लगा दी आने। अरे वो शशि भाभी का जैसे ही फोन आया वहां से जल्दी निकल पड़ी, नहीं तो वो लोग तो आने ही नहीं दे रहे थे। तो यहाँ तो बहुत उथल पुथल मची हुई है। शशि भाभी ने बताया, लेकिन आपको इस बात का पता कैसे चला? बेटा जिस दिन शाम को तुम यहाँ से गई ना उसी शाम को सागर अपने सास ससुर को खोजने वो गंगा किनारे वाले मंदिर पे गया था। बहुत खोजने के बाद जब उनका पता नहीं चला तो उसने पुजारी से पूछा, पुजारी जी ने बताया कि वो लोग यहीं थे लेकिन वो बहुत दुखी थे और जाते समय इतना बोला कि हम लोग भगवान की शरण में जा रहे हैं। जब तक पुजारी समझ पाता वो दोनों गंगा नदी में कूद गए। ये तो बहुत बुरा हुआ मामा जी। क्या कर सकते हैं बेटा, आप किसी के मन में क्या चल रहा है कोई कैसे जान सकता है। इस बात की इतनी शर्मिंदगी लेके बैठे वो लोग जो सब एक साथ खुद ही लेके दफन हो गए। और उनकी डेड बॉडीज? कुछ नहीं पता चला बेटा, कुछ मछुआरे और गोताखोर गए थे वहां ढूंढने, लेकिन नदी इतनी उफान पे है, किनारे भी कट के बह रहे हैं, सब पता लगाना बहुत मुश्किल हो गया और लोगों ने भी मना कर दिया कि हम नहीं खोज पाएंगे। ये भगवान, इसका मतलब उनका अंतिम संस्कार भी नहीं कर? अंतिम संस्कार कहां से, तो यही मान लो कि उन लोगों ने जल समाधि ले ली। देखो बेटा जब कोई तूफान आता है ना तो बहुत कुछ बहा के ले जाता है, लेकिन इस बार जो तूफान खड़ा करने वाले लोग थे वो अपने आप ही बह गए। सोनिया की क्या हालत है? रो रो के बेहाल हुई जा रही, उसको इस बात पे यकीन ही नहीं आ रहा है कि उसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं रहे। अरे ऐसे कैसे यकीन कर लेगी मामा जी, माँ बाप है उसके,
बेचारी को कोई ठोस सबूत तो चाहिए ना। वैसे भी कितनी जुड़ी हुई थी अपने माँ बाप से वो। बेटा अब तुम आ गई हो तो जरा समझाओ उसे, उससे कहो कि हम सब उसके साथ हैं। सागर बता रहा था कि वो खुद को मरने उड़ने की बात कर रही थी। ठीक है, मैं जाके बात करती हूँ। हाँ ठीक है, समझाओ उसे। सोच रहे हैं आप, इतना लंबा मौन छा गया तेरे चेहरे पर? कुछ नहीं। फिर भी कुछ तो बात जरूर है, तुझे बचपन से जानती हूँ, तुझसे ज्यादा तेरा चेहरा बोल उठता है, बता। दीदी मैं दीदी की बात का मतलब समझने की कोशिश कर रहा हूँ। कौन सी? वही जो आपने आखिरी में बोली। ओ, उसकी अकेले रहने की आदत वाली बात। हाँ तो वो कहना क्या चाहती थी? अब वो क्या कहना चाहती थी वो तो खुद जानता है। एक्चुअली ये तुम दोनों के बीच लंबे इंतजार का असर है। आखिर कोई किसके लिए कब तक वेट करेगा? किसी ना किसी को तो इनिशिएटिव लेना ही पड़ेगा, और वैसे भी डीले तुम दोनों की तरफ से हुआ है। लेकिन दीदी इस तरह की बात कभी नहीं की नंदनी, उसका ऐसी बातें करना मेरी परेशानी को और बढ़ा रहा है। तेरी इन परेशानियों के जिम्मेदार तू खुद है, और वैसे भी तेरे मन की बात तूने पहले ही कह देनी चाहिए थी ना। आपसे कैसे कहता मैं? आप तो हमेशा मीनू मीनू उसी के नाम की रट लगाए हुए थे। क्योंकि तब तक नंदिनी को मैं मिली नहीं थी, मैंने उसे जाना नहीं था। मेरे सामने तो बस मीनू ही थी। दीदी लेकिन अब जो नई समस्या अगर खड़ी हो गई है, इससे निजात पाने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो खोज रहा हूँ। अब तू कौन सा रास्ता निकालता है ये तेरे ऊपर है, पर नंदिनी को पूरी तरह जानने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि वो तेरे लिए बहुत अच्छी पत्नी साबित हो सकती है। लेकिन उसे यहाँ बुलाकर तुम दोनों कौन सी खिचड़ी पका रहे हो ये मैं नहीं जानती। दीदी मैं कोई खिचड़ी नहीं पका रहा हूँ। तो ये क्या है, नंदिनी को यहाँ बुलाकर मीनू के बारे में बात करना, तमाम इंसानियत के बारे में बात करना, एक डिलेमा की सिचुएशन में खुद को भी रखना और उसे भी। मैं भी उसी से बाहर निकलना चाहता था, नंदिनी के सामने सारी बातें साफ करना चाहता था। हाँ पर इसे हासिल क्या हुआ? तेरे दिमाग का ड्यूल नेचर सामने आ रहा है, जो किसी भी रिलेशनशिप के लिए बहुत हानिकारक है।